मम्मी, अबे अबे कौन है, अबे कौन है बे, मैं तो डर ही गया था। अबे बम ब्लास्ट से बच गया था क्या? अभी डरा ही दिया था मेरे को। अरे भैया, तुम्हारा नाम कुछ है या नहीं? खंबा की तरह खड़ा रहोगे या कुछ बकोगे भी? सर, हमारे नाम पद्दू है। पद्दू? तो तुम्हारे ऊपर भैया नाम नहीं जम रहा है। तुम्हारा नाम तो कालिया होना चाहिए, तुम्हारे शक्ल से मैच करता है। पद्दू नाम तो तुम्हारे ऊपर नहीं जम रहा है भैया। आज से तो हम तुम्हें कालिया बुलाएंगे, ठीक है? जला जबान संभाल के बोलो। का करेगा, का करेगा बे, बोल का करेगा। अरे जॉन कंताप मारेंगे ना, चमली ढीली और पैंत पीली हो जाएगी, बता दे रहे हैं। चिलगोजर कहीं का। चिलगोजर बोला ना? नहीं सर। नहीं, तुमने चिलगोजर बोला? अरे यार हाँ बोला। क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? साले मुझसे मजाक करता है गधा कहीं का। सर क्या है बे? आज मैंने सुबह में पानी को बेवकूफ बना दिया सर। कैसे? अरे सर क्या बताऊँ, पानी गरम किया नहाने के लिए और नहाया ही नहीं। हाँ बेटा, तू पानी को नहीं हमको उल्लू बना रहा है। साले मेरे से मजाक करता है। सर मैं अंदर आ जाऊँ सर। अबे तू कहाँ गया था बे, इतनी देर से कहाँ था? सर पड़ोस वाली भाभी के यहाँ गया था। उनके पति से प्रेम का दीपक नहीं चलत है ना सर, इसीलिए हम चलावत है। आजा बेटा आजा, अंदर आजा बेटा, दीपक जला कर आ रहा है ना, आजा कमीने। अभी तक दीपक जला रहा था तू? आ चल बैठ चल। सर क्या है बे? सर आज सुबह भिखारी को क्यों मार रहे थे? अरे यार क्या बताऊँ, उससे कितनी बार बोला मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, कमीना फिर भी बोलता है एक बार दे दे बाबा। सर पैसा ही मांग रहा था ना। कमीने मेरे से मजाक करता है, गधे के गधे रह जाओगे तुम लोग, कभी सुधरोगे नहीं। सर मैं नहीं गधा, गधे आप हो। अबे ओ कैसे बे? सर एक सवाल पूछता हूँ, बता दो मेरे को, तब मैं जानू। जो आप गलत बताए तो आप गधा, सही बता दिए तो मैं गधा। ठीक है चल पूछ। सर मैंने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा, बताओ कैसे देखा? अबे मरे हुए कुत्ते को कैसे देख सकता है बे तू? मैंने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा। अबे पागल है क्या, मरा हुआ कुत्ता कहीं भाग सकता है क्या? सर इसीलिए बोलते हैं ना आप गधे हो। अबे कमीने मजाक कर रहा है मेरे से। अरे सर मतलब मैं भाग रहा था और कुत्ता रास्ते में मरा था, तो मैंने मरे हुए कुत्ते को भागते हुए देखा। अबे ऐसे बोलना, तूने भागते हुए मरे कुत्ते को देखा? अरे सर गधे आप हुए ना। अच्छा छोड़िए, चलिए एक सवाल और बताइए, सिंपल सवाल। अगर इसे भी नहीं बता पाए ना तो आप महागधे हो। बताइए आग में जल जाने से क्या होता है? अबे आग में जल जाने से तो आदमी मर जाएगा ना। हाँ सर, इसका मतलब आप बहुत बड़े गधे हो। सच में सर आप महागधे हो, आग में जल जाएगा तो आग बुझ जाएगा ना। अबे ऐसा बोल, पानी जाएगा तो आग बुझेगा ही, इसीलिए बोल रहे हैं ना सर आप बहुत बड़े गधे हो। अबे कमीने कभी से गधा गधा बोल रहा है, रुक। हाँ तो बच्चों, अपना अपना नोटबुक निकालो और अपने अपने बेंच पर रखो। जो होमवर्क नहीं किया है अपने बेंच पर खड़ा हो जाए। तेरा क्या होगा रे कालिया? सही, मैंने आपका दंदा खाया है सही। अब झापड़ खा बेटा। अबे होमवर्क क्यों नहीं किया बे? सर ऑर्केस्ट्रा देखने गया था सर। ऑर्केस्ट्रा देख रहा था? ऑर्केस्ट्रा देख रहा था तो होमवर्क कौन करेगा बे? हाँ होमवर्क क्यों नहीं किया बे? हाँ बता। अबे बच्चे की जान लेगा क्या? नो, कौन बोला बे? कौन बोला? हाँ अरे बेटा अगर मिल गया ना तो तुम्हारा दोनों किडनी निकाल लूंगा। अबे गधे मैं बोला मैं। कौन बोला बे? बेटा एक बार हाथ लग जाओ फिर बताता हूँ तुमको। हाँ तो बेटा ऑर्केस्ट्रा तुमने देखा? हाँ सर देखा, बहुत मजा आया सर, बहुत साला चिल्ला लुलाए। चिल्ला उड़ा रहा था? हाँ कितना उड़ाया? हाँ कितना उड़ाया बता, कितना उड़ाया? अरे यार हल बाल माला ना करो, बता दे रहे हैं, नहीं तो जॉन खंताप मारेंगे ना, मुंडी पीछे घूम जाएगी, बता दे रहे हैं। अरे मुंडी नहीं, गर्दन ही उखाड़ दो कमीने की। कौन बोला बे? कौन बोला? हाँ बेटा एक बार तू मिल फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। चल तू खड़ा हो जा, सवाल पूछूंगा ना उसका जवाब फटाफट देना, बता दे रहा हूँ। चल बेटा भारत की राजधानी किधर है? सर फटाफट। चल बैठ। अले ले ले, चल तू खड़ा हो जा। कविता और निबंध में क्या अंतर है? प्रेमिका के मुंह से निकला हर एक शब्द कविता होता है और पत्नी के मुंह से निकला हर एक शब्द भी निबंध के समान होता है सर। शाबाश बेटा शाबाश, मेरा आंख भर आया बेटा, आज से तू क्लास का मॉनिटर है।
चल अब तू खड़ा हो जा, कबूतर पे एक वाक्य बना के बता। शाम की पी हुई दालू कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। उरी बाबा सर, हमने स्कूल में एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी सहायता से आदमी घर के आर पार देख सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह बेटा वो क्या चीज है। 20 साल के तजुर्बे में हमने कभी नहीं ऐसा छेद बनाया है सर। कमीना, छेद बनाया है तूने? अच्छा बच्चों बताओ, तुम लोगों में से सबसे होशियार बच्चा कौन है? सर मैं हूँ, मैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे स्कूल के सामने कोई अगर बम रख दे तो तुम क्या करोगे? अरे यार, एक दो घंटा देखेंगे, अगर कोई नहीं ले जाएगा तो कानून में लगवा देंगे। वाह बेटा, बहुत आगे जाएगा तू, बहुत आगे। एक बार मैं रोड से जा रहा था आ रहा था। अबे चुप कर कमीना, कभी से जा रहा था आ रहा था कर रहा है। बिट्टू बेटा चल, तू बता खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? सर जब परीक्षा में कुछ आता ना हो और पीछे से टीचर आकर कहे कॉपी छुपा ले बेटा, पीछे वाला देख रहा है, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है सर। अरे अरे यार, तुम लोगों का तो बकवास सुनकर तो कमीना मेरा मूड ही खराब हो गया है। अरे कोई शायरी वायरी सुनाओ यार, कुछ मूड फ्रेश हो। सर मैं सुनाऊं? सर हाँ बेटा सुना सुना बेटा सुना। सर सुनिए ना, देख इतनी हसरत से आसमान को है मेरे प्यारे दोस्त। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे सर पहले पूरा सुन तो लीजिए। ठीक है सुना बेटा सुना। ना देख इतनी हसरत से आसमान को है मेरे प्यारे दोस्त, किसी परिंदे ने मुंह में हग दिया तो सारे हसरतों की वाट लग जाएगी। अबे कमीने, मेरे से मजाक करता है, चल बैठ गधा कहीं का। ए चल तू खड़ा हो रे। अरे प्रभु कहाँ थे आप कल? नहीं बताऊंगा सर, बता ही दो नहीं तो जान कंटा मारेंगे, चक्कर घिन्नी के तरह नाच जाओगे, बता दे रहे हैं। अरे सर कल वैलेंटाइंस डे था ना, तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे। अरे जोकर जैसा तू है और गर्लफ्रेंड बना लिया, कौन थी वो गर्लफ्रेंड? सर आपकी बेटी ही थी। कमीने रुक, तेरी तो। अबे चिलगोजर छोड़ देना उसको, मर जाएगा वो। तो तू था वो कमीने, आज तेरा दिल गुर्दा किडनी सब छीन लूंगा, आ जा बेटा। अरे यार लड्डू, कल छुट्टी क्यों है यार? अरे गांव में कल एक बुढ़ा मर गया था ना, इसकी वजह से छुट्टी है। अबे बुढ़े के मरने से छुट्टी हो जाता है क्या? हाँ यार। अबे सामने देख सामने। क्या है? अभी देख, दो छुट्टी जाने हैं। अरे हाँ यार, पता नहीं कब मरेंगे कमीने दोनों, अभी दो दिन की छुट्टी और मिल जाती। मालिक आपके पड़ोसी ने भरपेट खाना दिया है, आप भी कुछ दे दो। अरे ये लो हाजमोला, खा लो, खाना पच जाएगा। अरे हाँ, मेरे को नहीं चाहिए तेरा हाजमोला। अबे इतने दिनों के बाद मुझे भरपेट खाना मिला है, हाजमोला देकर उसे भी पचाना चाहता है। अरे भैया एक चावल का बोरी अपने सर पर लेकर घूमू क्या तुम्हारे लिए? हाँ चलो हटो। अरे साधु भाई, सुना है क्या तूने, रॉकी ने शर्त लगाया है जंपिंग का। अरे क्या बात कर रहा है, किधर है कमीना? अरे भैया ग्राउंड में कभी से वेट कर रहा है, चलो जल्दी से। अरे चल देखते हैं, चल चल। अरे साधु भाई आओ आओ, आज फैसला होकर ही रहेगा। अरे कैसा फैसला बे? हमारे तुम्हारे प्यार का फैसला आज होकर ही रहेगा, काजल किसकी है आज पता चल जाएगा। लकी हम खुलकर मुसीबत का सामना करते हैं, चाहे मामला प्याल का हो या दुश्मनी का, जीत हमारी होती है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल जंप करके दिखा, जब ऊपर से गिरेगा ना तो दांत बाहर आ जाएंगे। लकी बली से बली हस्ती मिट गई मुझे झुकाने में बेटा, तू तो कोशिश भी मत कर वरना तेरी उमल गुजल जाएगी मुझे गिलाने में। अरे भैया ऐसा फेंकता ही रहेगा या जंप भी मारेगा? हाँ चल पहले तू कूद। चला जा, आज मुकाबला हो जाएगा, चल पहले तू कूद। अरे लकी भैया क्या हुआ, निकल गई हवा, अब मेरी बाली आ गई, चल मैं कूदता हूँ। लकी मेले से कभी पंगा मत लेना, बता दे रहा हूँ। और हाँ काजल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे यार हम देखेंगे क्या करोगे, हाँ हम देखेंगे।
पहली तो लुक तुझे बताता हूँ मैं क्या करूँगा। लुक ले ले ले। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आँखों से प्यार दिल में बजी गिटार, आला जीने का मजा ले, छाला कैसा ये नशा ले। मम्मी जीने का मजा ले रहा है, पढ़ाई का मजा कब लेगा बदतमीज। अले ले लाए हैं सर जी, ले लाए हैं। चल बैठ, चल एक सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दे। हाँ तो पूछिए ना। एक मुर्गा अगर एक दिन में 2 अंडा देता है तो 7 दिन में कितना अंडा देगा? सर जी 14 अंडे। अरे नहीं रे, मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। एक मुर्गी के 3 बच्चे लोद क्लॉस कर रहे थे। लोद क्लॉस करने के बाद एक बच्चे ने कहा, हम 7 लोद क्लॉस कर लिए, बताइए कैसे, सोचो। अबे वो 3 थे और 7 बता रहे हैं, कैसे कैसे, क्या पता कैसे। अरे सर वो बच्चे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तेरी तो मेरे से मजाक करता है। ए, चल तू खड़ा हो, बता। एक टेबल पर 4 सेब रखा है। कहाँ है सर, कहाँ है? अरे मान ले। अच्छा अच्छा मान लिया। एक प्लेट में 3 चम्मच रखा है। अरे कहाँ रखा है, अबे मान ले। अच्छा अच्छा तो बता कितना हुआ? 20 हुआ। 20? अबे वो कैसे बे? अरे सर मान लीजिए ना। अबे कैसे? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। बदतमीज कहीं का। अच्छा चल दूसरा सवाल बता। एक गधे के सामने 1 बाल्टी पानी है और 1 बाल्टी दारू रख दिया जाए। गधा पानी पी लेता है और दारू छोड़ देता है, इससे तूने क्या समझा? जो दारू नहीं पीता वो गधा। बदतमीज कहीं का। सर बच्चों के ऊपर हाथ उठाकर मर्दानगी दिखाते हैं, दम है तो हमारे रॉकी भाई को हाथ लगा के दिखाओ, हिम्मत है। अबे रॉकी क्या 30 मार खाने क्या? और नहीं तो क्या, हमारा बॉस है बॉस, इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हिम्मत है तो छू के दिखाओ, आओ। नहीं हिम्मत है ना, गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, अफसोस कुछ कर नहीं सकते हो आप उसका। तेरी तो रुक जा, ये ले। अरे बस करो, हो गया, मर्द को दर्द नहीं होता है। अबे तेरी तो ये ले। अब बोल। अरे सर अब क्या बोलूं, इसने मेरे खेत से भुट्टा चुराया था ना, इसीलिए आज इसका धुलाई मैंने करवाया। तेरी तो। अरे नहीं 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 सर नहीं। नो। अबे वो क्या कर रहा है बे? अबे उठ कमीना कहीं का, क्या कर रहा था बे? अरे सर क्या बताऊँ आपको, इतना अच्छा खासा सपना देख रहा था और आपने जगा दिया। अबे बदतमीज कहीं का, कैसा सपना था बे? अरे सर छोलिए ना। अरे बता बता। अरे नहीं सर, सलम आ रही है। अरे बता, शर्मा क्यों रहा है, बता बता। अरे सर आप बुला मान जाएंगे, सर रहने दीजिए ना। अबे किसका सपना था बताएगा, अबे कौन थी बता। अरे सर नहीं मान रहे हैं तो सुनिए, आपकी बेटी थी। तेरी तो। अले अभी चिलगोजल नहीं आया क्या? अच्छा हुआ मनहूस नहीं आया, चलो तब तक गाना ही हो जाता है। कजलाले तिल काले नैना, तिल नैना तिल नैना तिल नैना जुलवा नैना। पढ़ाई लिखाई तो आता नहीं है, बैठ के कजरारे कर रहा है। जौन कंटाप मारेंगे ना, सड़े अंडे की तरह बिल भिला जाएगा बेटा। चल बैठ। मे आई कम इन सर? कहाँ मर गया था बे? हमें कौन डराएगा मौत के मंजर से, हम तो अपना पिछवाड़ा भी खुजाते हैं अपने खंजर से। अबे इतना लेट कैसे हुआ? सर बोला था ना कि एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। मेरे से डायलॉग मारता है, मेरे से ऐसा झापड़ मारेंगे ना बेटा, चमगादड़ की तरह पेड़ पे झूलते नजर आओगे, बता दे रहे हैं। चल बैठ। आई लव यू जानू। मैं सर से बोल दूंगी, बता दे रही हूँ। अरे पगली सर से क्या बोलेगी तू, वो तो कमीना बुढ़ा हो गया है, मेरे से बोलना, तेरी औकात है हा? मैं जिस रास्ते से चलती हूँ ना, लोग मेरे को रुक रुक कर देखते हैं। अरे पगली माना तू चलती है तो जमाना रुक जाता है, पर मैं चलता हूँ ना तो जमाना झुक जाता है।
क्या हुनर है तुझ में पगली। मेरे बैग से आज तक कोई पेंसिल नहीं चुरा पाया, तूने तो सीने से दिल ही चुरा लिया। बेटा उसने तो दिल ही चुराया है ना, मैं आ जाऊंगा ना तो तेरा दोनों गुर्दा भी चुरा लूंगा। जानू जानू कौन है बे? जानू जानू तुम क्यों गुस्सा कर रही हो जानू? नहीं मैं नहीं गुस्सा कर रही हूँ। नहीं तुम गुस्सा कर रही हो। नहीं कर रही हूँ। अच्छा जानू तुम्हारे लिए मैं चांद ताले तोड़ के ला दूंगा, गुस्सा ना करो। नहीं मेरे को चांद तारे नहीं चाहिए, पहले कमीने तो पेड़ से इमली तोड़ के बता फिर जानू। अली जानू गाली क्यों दे रही हो? आ कमीने आंखें तो खोल। नहीं जानू मेरे को एक किस दे दो जानू। छोड़ छोड़ कमीने छोड़। कमीने उठ, अभी से दिमाग चाटे जा रहा है। कमीने स्कूल पढ़ने आता है या सपना देखने आता है इधर? अरे भैया अब हमको क्या पता हम कहाँ आते हैं। अरे तो स्कूल क्यों आता है बे? अरे भैया हम स्कूल थोड़ी आते हैं, कमीने हमें जबरदस्ती भेज देते हैं तो क्या करें। अरे कभी से तू भैया भैया क्यों बुला रहा है बे? अरे नहीं तो का जंगल का डाकू बुलाऊं का तुम्हें? बेटा चल तू खड़ा हो जा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जो लड़की नहीं हंसती उसे क्या कहते हैं? सर उसे हसीना कहते हैं सर। कमीना सर वक्त वक्त की बात है सर, आज आपका वक्त है तो उल लीजिए, जब हमारा वक्त आएगा तो जिंदा उला देंगे। अबे कमीने तू जिंदगी में कभी कुछ कर पाएगा? सर इस तरह से खोलूंगा अपने तकदील के धागे, अच्छे अच्छों को झुकना पड़ेगा मेरे आगे। अबे कमीने तू चाहता क्या है बे? हाँ सर हाथ में बाइक हो और स्पीड दमदार हो, साथ में मेरा यार हो और देखने वाली हर लड़की ये बोले का यही मेरा प्यार हो। कमीने साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, बाइक चलाएगा, चुपचाप बैठ। सर आपकी अकल एक दिन मिटाऊंगा और आपके सामने आपकी बेटी को पटाऊंगा। कमीने तू मेरी बेटी को पटाएगा? रुक जा। अरे सर में खटमल घुस गया क्या? अरे चल खड़ा हो, बहुत बोलता है हरामखोर कहीं का। सुबह सुबह ऐसे ही मूड डिस्टर्ब है और परेशान करता है कमीना। अरे क्या हुआ सर, लगता है सुबह सुबह भाभी ने नहीं दिया क्या? अबे ओ, क्या बे? अरे सर नाश्ता और क्या। अरे क्या सर आप भी ना क्या क्या सोचते हो। भाग कमीना कहीं का, मैं करके आया हूँ। अरे तो फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अरे यार क्या बताऊँ तुम लोगों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। उली बाबा 20 साल के तजुर्बे में हमारे क्लास में पहली बार आइटम पलाने आई है। Oh, no. कमीना कहीं का मेला मतलब है मिस पलाने आई है। अरे गुप्ता सर आप जाइए, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अरे मैडम जी जरा इन बच्चों से बच के रहना। अरे बच्चे ही तो हैं। बच्चे हैं हाँ? आपको बच्चे दिखाई देते हैं, एक नंबर के शैतान है, संभल के रहिएगा। अच्छा ठीक है आप जाइए। हाँ तो बच्चों मैं कैसी दिख रही हूँ? Oh, no. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। चुप कमीना। मैडम जी आपकी सैंडल बहुत सुंदर है, उतार के दूँ क्या? आपका सूट भी बहुत सुंदर है। कमीना कहीं का। अरे रॉकी अभी तक कहाँ थे, इतना लेट कैसे हुआ? अरे मैडम जी आप मेरी इतनी चिंता ना करें, बच्चे सब गलत समझते हैं। बदतमीज कहीं का बैठ चल। हाँ तो बच्चों जो एक लेसन याद करके आया है उसे मैं हाथों पर किस दूंगी, जो दो लेसन याद करके आए हैं उसे गालों पर किस दूंगी। Oh, no. मैडम जी आप बिस्तर लगा दीजिए। क्यों बे? क्योंकि मैं पूरा किताब नहीं याद करके आया हूँ। बैठ बदतमीज कहीं का। अच्छा बच्चों मैं आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार अकबर बादशाह अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। अरे मैडम जी रॉकी मुझे गाली दे रहा है। Oh, no. अरे टोनी बैठ जाओ वरना अभी थप्पड़ मारूंगी। हाँ तो बच्चों मैं कहाँ थी? अकबर की बिस्तर पे थी। भाग कमीना कहीं का। चल साधु होमवर्क दिखा। मैंने होमवर्क नहीं किया है। अच्छा तूने होमवर्क नहीं किया, बोल तुझे क्या सजा दूँ? मैडम जी बाजू वाली लड़की है ना उसने भी होमवर्क नहीं किया है, मेरे को और उसको बाथरूम में बंद कर दीजिए। बैठ बदतमीज कहीं का। हाँ तू खड़ा हो जा, चल बता छोटी मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। और पतली बकरी क्या देती है? मैडम जी दूध देती है।
और मोटी भैंस क्या देती है? होमवर्क देती है। चुप बदतमीज, बैठ बैठ। अरे यार, कभी से बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चल हम कुछ गेम खेलते हैं यार। अरे हाँ चल, कौन सा गेम खेलेंगे? चिरायूर। अबे ये कौन सा गेम है बे, चिरायूर? अरे यार, मैं सभी प्रकार के जीव जंतुओं का नाम लूंगा और अन्य चीजों का नाम लूंगा, उनमें से जो उड़ता है उसे ही उड़ाना है और जो नहीं उड़ता उसे उड़ा दिया ना। तो बेटा जौन कंटाप मारेंगे ना, यूपी का चक्कर लगा के आ जाओगे। अच्छा लड्डू भैया, और आप कहीं गलती से उड़ा दिए तो जौन कंटाप मारेंगे ना, मंगल ग्रह का चक्कर लगा के आओगे। हाँ ठीक है चल। कबूतर उर, कौवा उर, हाथी उर। तेरे बाप ने कभी हाथी को उड़ते हुए देखा है जो तू हाथी उड़ा रहा है? गधा और कमीनो, चिरायूर खेल रहे हो, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, बैठ के यहाँ पर चिरायूर खेल रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हो, चिरायूर उड़ा रहे हो, गधे कहीं के। अबे कौन है बे? मैं हूँ मैं। अबे क्या कर रहा है बे? चुंगम खा रहा हूँ सर। अबे क्लासरूम में बैठकर चिंगम खा रहा है? कमीने पेट भी सोचता होगा कभी से खा रहा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है? मैं अंदर आ जाऊँ सही? अबे अब कितना अंदर आएगा बे, जंगल से बाहर कूदेगा क्या? और अभी तक कहाँ था बे, इतना लेट क्यों आया है? सही राजपूत छोला हूँ, पढ़ाई हो या लड़ाई का मैदान, जहाँ जाता हूँ ना अकेले ही जाता हूँ। अच्छा पढ़ाई क्यों अकेले नहीं कर लेता बे? अरे क्या करूँ सर, आपकी शकल इतनी अच्छी है ना, देखे बिना चैन नहीं पलता, इसलिए रोज देखने आता हूँ। हाँ वो तो है ही, मैं हैंडसम हूँ ही। I love you जानू। बदतमीज, इतना एटीट्यूड मत दिखा पगली, मेरा एटीट्यूड तो मुझसे एडजस्ट ही नहीं होता, तेला कहाँ से एडजस्ट करूँगा? तुझे जब दिल में बसाया तो कमीना दिल भी बोल उठा, अब आ रहा है धक धक करने का मजा। सुन, ये जो दिल है तुम्हारा ना, और कहीं जाकर देना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अरे पगली, फ्री में किसी को स्माइल तक ना दूँ, दिल तो बहुत दूर की बात है। अबे तेरी इतनी हिम्मत? सर मेरी हिम्मत को पलकने की गुस्ताखी मत करना, पहले भी कई तूफानों को रोक चुका हूँ। अबे ख्वाब देख रहा है क्या? सर किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि जो हम देखे और पूरा ना हो। सर माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो हमारे तेवर ही लगा देते हैं। अबे औकात में रहकर बात कर, डर नहीं लगता क्या मुझसे? औकात की बात ही मत करिए सर, आपका दंदा से ज्यादा लोग मेरे मूछों से डरते हैं। अच्छा तेरा मूछे कहाँ आई है बे? आई नहीं है, आ जाएगी। सीधे मुंह बनाकर फोटो ले लिया करो बेबी, कहीं गर्दन मुलमुला गई ना या आंखें चली आ गई तो तुम्हारे सपनों का राजकुमार सपनों में ही दम तोल देगा। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़के देख मुझे दुबाला, तन तना तन 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 ताला, चलती है क्या नशे बाला। अबे छोड़, अबे ये क्या कर रहा है बे? तेरी तो छोड़ छोड़ छोड़, यहाँ बैठकर शूटिंग देख रहा है, चल छुड़ा उसको चल। अबे छोड़ छोड़ छोड़, अबे इसकी तो छोड़ यहाँ छोड़। Oh no! अबे पकड़ के खींच उधर से इसको, छोड़ छोड़ मेरे को छोड़। अबे कमीना दिखता नहीं है क्या तेरे को? बोले अबे छोड़ छोड़, अबे छोड़ इसकी तो छोड़ इसे, अबे दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? जिसको पाती है पकड़ के चिपक जाती है। जानू मैंने तो आंखें बंद कर ली थी। अले तो महालानी आंखें बंद कर ली थी तो पकड़ने से पता चलता है ना, कैसे किसी को पकड़ के चिपक जाओगी इसकी तो। अरे मारा का है यार तूने, तूने ही तो किस दिया था। महाशय अगर तुम लोगों का किस सम्मेलन खत्म हो गया हो तो मैं कुछ पढ़ा लूं, चल बैठ। हाँ तो चलो बच्चों बताओ, घर घर में शौचालय बनने से क्या लाभ हुआ है? सर हर घर स्वच्छ रहता है। शाबाश बेटा शाबाश, चल रॉकी तू बता क्या होता है? सारा बाग सरकना नहीं पड़ता है। हाँ वो तो है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पहले तो लोटा लेकर खेत में भागना पड़ता था, अभी कुछ तो आराम हुआ,
सर आप कभी गन्ने के खेत में गए हैं लोटा लेकर? अरे हाँ यार हाँ, गया था, छोटा था तभी गया था। जैसे ही लोटा रख के बैठा, खेत वाले ने पत्थर फेंक के मारा, फोपड़िया पर आकर लगी भैया। मैं तो वहां से पैंट पकड़ के भाग निकला। फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या था, एक गाना भोजपुरी का याद आ गया, चल सुना ही देता हूँ। गिर गई लोटा गन्ना के खेत में। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, क्या गाते हैं आप सर, क्या आवाज है आपकी सर। ये लौकी पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? अरे यार मुझे नहीं पता है, पता होता तो जरूर बता देता। चल सद्दू खड़ा हो, एक सवाल बता, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सर तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। शाबाश बेटा शाबाश, उदाहरण दो। सर कल मैंने आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा के ले जाऊंगा। अब तेरी तो रुक जा, ये ले ये ले। अरे साधु भैया यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, समय ने हमें बर्बाद किया है ना, इसीलिए हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया ये ले गुटका खा ले। अरे नहीं यार मैं गुटका नहीं खाता, गुटका से कैंसर होता है ना। अच्छा ला सिगरेट है, सिगरेट पीता हूँ। अरे सिगरेट से क्या शादी होता है क्या, मजाक करता है। अरे नहीं यार वो क्या हुआ ना, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए ना, इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। अरे तो अरे दादाजी बहुत ज्यादा मशहूर थे का, इतना ज्यादा टेंशन कर रहे हो? hey, तुम मेरे दादा के बारे में ज्यादा मत बोलो समझे, बता दे रहे हैं। मेरे दादाजी को आप जानते रही हो, कितने बड़े तोप थे वो। हाँ तो भैया बता दो तुम। हाँ तो सुनो, हमारे दादाजी जब पालते थे ना तो पूरा गांव ही गायब हो जाता था। oh, no. अरे क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या। अबे पूरा गांव ही गायब हो जाता था? अरे हाँ यार कितनी बार बोलूं, और तो और हमारे दादाजी के कालनामे सुनेगा ना तो तेले सल के बाल झड़ जाएंगे। अबे तो सुना ना। एक बार की बात थी ना, एक आदमी ने दादाजी से शर्त लगा लिया प्लेन को रोकने के लिए, वो भी आगे से। तेरे दादाजी ने उसे कैसे रोका? अरे यार और कैसे लोगते, वो गए प्लेन के आगे खड़े हो गए और पीछे से ऐसा जोल का पात मारा ना कि प्लेन वहीं के वहीं खड़ी हो गई। अबे क्या बकवास कर रहा है बे? अबे और नहीं तो क्या, ऐसा वैसा समझते हो क्या, मेरे दादाजी सूलमा थे सूलमा। अरे तो क्या मेरे दादाजी नहीं है क्या, वो पादते थे ना तो उनका पीछे से पैंट फट जाता था। अबे तेरे दादाजी तो कुछ नहीं थे, हमारे दादाजी के पाद पर लोक लग गया था। एक बार गए थे जंगल में, उन्होंने ऐसा पाद माला ना जंगल ही गायब हो गया था, तब से उन पर लोक लगा दिया गया। अभी जब उनको पाद आता है ना तो हेलीकॉप्टर में ऊपर लेकर जाते हैं और ऊपर से छोड़ देते हैं, और दादाजी पाद के प्रेशर से आराम से नीचे आ जाते हैं। अबे क्या बक रहा है? और नहीं तो क्या, ऐसा वैसा समझते हो क्या। अबे लेकर जाते हैं कि जाते थे? अबे जब थे तब जाते थे, अब नहीं है तो क्या हुआ? तो ऐसा बोलो ना। अरे हाँ एक बात तो तेले से बताना भूल ही गया, बकीला झील का नाम सुना है? नहीं सुना है। बताओ गांव कैसे डूबा? कैसे डूबा बताना। अबे मेरे दादाजी की वजह से। अबे वो कैसे बे? अबे सुन तो जला, जब हेलीकॉप्टर से ऊपर लेकर गए थे ना, ऊपर से जब छोले थे तो उधर ही छोल दिए थे, इसकी वजह से गांव डूब गया। अबे गांव डूब गया? हाँ। अबे जब तेरे दादाजी इतने पावरफुल थे तो उनको गैस एजेंसी खोलना चाहिए था ना। अरे वो तो खोले थे, लेकिन जो जो गैस भरने आया था ना उसने उस गैस से खाना बनाया तो परलोक से ढाल गया। दादाजी ने अभी हमारे घर में 5 बोतल गैस भर के रखे हैं, अभी तक हम लोगों ने गैस नहीं भराया है। अबे यार क्या बक रहा है? अरे यार और नहीं तो क्या, अभी तक 5 बोतल ऐसे ही दादाजी की निशानी रखे हैं। अरे साधु भाई चल दादाजी बुला रहे हैं। अबे तू तो बोल रहा था तेरे दादाजी मर गए। मजाक कर रहा था। तेरी तो No.